गत सप्ताह विजु जनता दल तरफ ऑफिशियली डिक्लेयर करा जे विजु जनता दल प्रार्थी श्रीयुक्त स्वरूप कुमार दास गत गोटे सप्ताह भितर विभिन्न प्रकार आलोचना पर्यालोचना गणमाध्यम सोशल मीडिया रे जारी रही एवं ये संबंध में विगत दिन में आम क्लारिफिकेशन दे आज से विषय पुंगानुपुख क्लारिफिकेशन देवाई आज आम समस्त एकत्रित आपण मानम बालेश्वर जनसाधारण को विशेषकर सदर निर्वाचन मंडल भोटर भाई भाई मान गुरीजन मान को आम कि तथ्य उपस्थापन करने जाऊ टिकेट नहीं कि जो इश्यू आसी आलोचना आसी से विषय मुगत दिन स्पष्ट करपष्ट करजु जनता दल एक श्रृंखलित दल ये दल रे मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक निष्पत्ति हूँ सर्वोच्च निष्पत्ति फाइनाल निष्पत्ति एणसी बाद बद ना दल संपूर्ण भाव में निष्पत्ति पक्ष यूनाइटेड अच्छी आगामी दिन में बालेश्वर जिले में विशेषकर सदर निर्वाचन मंडल समस्ते निश्चित भाव में यूनाइटेड ही निर्वाचन को फेस करेंगे एवं आम संकल्पबद्ध कि आगामी उपनिर्वाचन रे विजु जनता दल को बहुमत जनसमर्थन मिल से आपण मानम बालेश्वर जनसाधारण को सदर निर्वाचन मंडल भोटर भाई भाई मान गुरीजन मान को आम विनम्र नवेदन करुचु जे आसतु आपण मैने विजु जनता दल प्रार्थी श्री स्वरूप दास को शख चिन्ह महरमारी जयजुक्त करातु एवं बालेश्वर विकास जोटा कि गत डेढ़ वर्ष धरी भर्चुअली ठप ही रही से विकास आम मैंने निजी सामिल करवा विजु जनता दल सरकार मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक सरकार अच्छा ओडिशा रे तेणु आगामी साढ़े तीन वर्ष आमपाई गोटे सुवर्ण सुजोग ये सुजोग को आम हाथ छड़ा करवा ना आम निश्चित भाव में ये सुजोग को अख्तियार करवा एवं आम दल प्रार्थी श्री स्वरूप दास को जितेबा और जो डेढ़ वर्ष आम लस कर आगामी दिन में मेकअप करने सहित मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक सम्मान रक्षा करने सहित बालेश्वरवासी नवीन पट्टनायक सहित अच्छा ये सुजोग आम प्रमाणित कर देखा धन्यवाद समस्त को नमस्कार आम गण उपस्थित अच्छा आमर मान्यवर मंत्री श्रीयुक्त प्रताप जेना महोदय आम जिला सभापति पूर्वतन सांसद श्रीयुक्त रवींद्र जेना महोदय एवं समस्त सांबादिक बंधुगण समस्त को मोर नमस्कार जनाऊँ शुभेच्छा जनाऊँ आज जो उपनिर्वाचन परिप्रेक्षी में जो सांबादिक सम्मेलन हो जो कथा जिला सभापति कहले विभिन्न गणमाध्यम सोशल मीडिया रे विभिन्न प्रकार चर्चा संदेह देखा पूर्वर मध्य कही जे आमर प्रिय मुख्यमंत्री नवीन बाबू जहाँ को भी प्रार्थी देवे आम समस्ते निश्चित भाव समर्थन करूँ कहीं थे निष्पत्तिगला से संदेहर किसी अवकाश ना तेणु जो दिन ही जिते मो पा किसी मीडिया बंधु जाइले मुझे जो कथा पूर्व कौच आज कौचि जे नवीन बाबू जहाँ को प्रार्थी देले सी हूँ आम समस्त प्रार्थी विजु जनता दल प्रार्थी तेणु मोर आपण मध्यम बालेश्वर जनसाधारण को यही नवेदन रे आम प्रार्थी जे स्वरूप दास आम विपुल संख्यार जो कथा कहते जे देढ़ वर्ष धरिकी आम जो कम को कर आनी 9 रु 19 जाए से काम निश्चित भाव टी मंदा पड़ी एक रकम बंद हो जाए कहले चले तेणु आउ थे से विकास धारा को आम निर्वाचन मूल्य त्वरान्वित करने स्वरूप कुमार दास को शख चिन्ह आपण को मध्यम भोट देवा को निवेदन करुच्ची धन्यवाद पचार स्वागत
कर्मी माने आपनकर आसले विरोध कले किंतु हटात जब लोक मान पाखु भोटर मान पाखु मेसेज गला जे समस्त चाहूचंती रविंद्र जेना को समर्थक बिल को आसले विरोध कले ताकु किंतु आड़े परबे नि कर्मी को सामाजिक सम्मेलन करतले जे कर्मी माने बुझि जिवे सेबळी किछि तो नाही आपन तो बुझेव पडियो कर्मी मान देखंतु मो एक थरे समस्त कर्मी मान कर भाव थिला कर्मी मान कर गोटे आशा थिला गोटे पॉलिटिकल प्रोसेस रे चेंज इज द ओनली ट्रुथ ये हूँ पॉलिटिक्स पॉलिटिकल डायनामिक्स परिवर्तन ही एकमात्र सत्य तेणु जहाँ भी मुख्यमंत्री निष्पत्ति नेले से निष्पत्ति आम समस्ते ग्रहण करवा मानि नवा और कर्मी मैंने मोटामोटी प्रायत बुझी सारे और समस्त संकल्प है कि आम मैंने समस्ते मिलमिश दल को जितेबा देखिए एम्स का बारे में अगर चर्चा होगा आपको 5 साल 6 साल पहले जाना पड़ेगा। एम्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंक्शन लगभग 1000 करोड़ से ऊपर था। 2014 से 19 का बीच में जब हम भी पार्लियामेंट में था काफ़ी संघर्ष हुआ, काफ़ी झगड़ा हुआ, काफ़ी डिबेट हुआ। उसका नतीजा ये निकला कि 2018 में उस टाइम का खुद स्वास्थ्य मंत्री आए थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर आए थे, आके यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लिंक किया और 35 करोड़ सेंक्शन हुआ, जिसका कि काम अभी भी चल रहा है। बट इशू 35 करोड़ का है नहीं, इशू है 1000 करोड़ का। उसका फुल प्लेस सेंटर होना चाहिए, जहाँ कि इंडिया में कई सारे स्टेट में एम्स आगे बढ़ चुका है बट बालेश्वर में इतना भारी रूप से बढ़ा नहीं। जस्ट एक म्यूनिसिपल 35 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है। तो हम लोग का ये डिमांड रहा है, आज भी रहेगा, अगला दिन में भी रहेगा कि एम्स का फुल प्लेस सेंटर यहाँ होना चाहिए। ए कथा विगत दिन में आम कहूँ, आज कहूँ, आगामी दिन में बारंबार कहबू गणमाध्यम सोशल मीडिया किसी न्यस्त स्वास्थ्य गोष्ठी गोटे एभलिया इंप्रेशन क्रिएट करने चाहती जे दल भितर किसी बुझाणार अभाव रही कथा को क्लारीफाई करने आपणम जनसाधारण पाखे पहुँचापी दल स्टैंड यूनाइटेड, दल गोटे नेता जड़े आम समस्त कर्मी आम यूनाइटेड फेस इलेक्शन लड़बू और इलेक्शन जीतु। मान्यवर मंत्री जहाँ कहले कौन निष्पत्ति है जो दिन निष्पत्ति हम प्रथम आम आसिक आपण मध्यम लोक मंत्री पर्यवेक्षक आज्ञा देखो आज प्रेस मीट आम मीडिया भाई मान जरिया बालेश्वरवासी को एक अनुरोध रक्षा करने निवेदन रक्षा करने प्रेस मीट कि बालेश्वर जनसाधारण पक्ष आम कहचु कि आम मूल लक्ष्य हूँ विकास कमी अधिक रु अधिक उन्नति हो पार बालेश्वर विकास हो पार से कथा नहीं आम कम करूँ एवं बालेश्वर विकास हूँ आम एकम्र लक्ष्य लोक मान अधिक रु अधिक सुविधा सुजोग बालेश्वरवासी को जोगाई देवा आम एकम्र लक्ष्य से लक्ष्य नहीं कि आम कम करूँ आम आपण मान जरिया जनसाधारण को निवेदन करने चाहूँ कि बालेश्वर विकास पाई जो विकास धारा एक प्रकार बंद हो जाए गत 1.5 वर्ष धरिकी से विकास धारा को आगामी दिन में त्वरान्वित करने बालेश्वरवासी आम को आशीर्वाद करूँ सहयोग करूँ से आज सांबादिक सम्मेलन बालेश्वर जिते बड़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नथिला सेते बेले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थिला। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रे सबु प्रकार स्पेशलिस्ट अवेलेबल नथिले जिते बेले मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हेला द्वारा जो अनुसार
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रे रेफरल होतला से अनुसार रेफरल कमी चिना कमी नि से अनुसार कमी रेफरल कमी चिना आज्ञा मोर टे मानवर मंत्री महोदय क्षमा करेंगे ये कथ आपमें जनसाधारण को स्पष्ट करने चाहती आप मेडिकल कॉलेज हवा पूर्वर स्थित जी देखिए पखापाखि 14,000 रु 15,000 पेसेंट इनफ्लो होता मेडिकल को पर मंथ मेडिकल कॉलेज हवा पर इनफ्लो है 37,000 रु 38,000 पर मंथ तो स्वाभाविक भाव में पेसेंट कर इनफ्लो पड़ा तार अर्थ नुहे बालेश्वरवासी स्वास्थ्य बिगड़ गला अर्थ हो जो मेडिकल कॉलेज है से पार्श्वर्ती स्टेट रू झारखंड रू बिहार रू वेस्ट बंगल रू बहु पेसेंट कर इनफ्लो है रेफरल बढ़ला ये हूँ कथार मूल तत्व म्युनिसिपैलिटी एरिया पंचायत को आम आर्थिक व्यवस्था करपरी भाव में राज्य सरकार तरफ आर्थिक व्यवस्था बालेश्वर निर्वाचन मंडल राज्य सरकार तरफ किंतु गत 1.5 वर्ष भितर आप जो कथा कहते मुझ सहित भी एकमत साधारणतः जे लोक प्रतिनिधि होंगे से लोक कथा को लेकिन सरकार रखती सरकार सहित आलोचना करती समस्या समाधान पर किंतु 1.5 वर्ष भितर जे दायित्व थिले से ना सरकार सहित कौन जोजोग करते ना सरकार कौन दाबी रखी बालेश्वर निर्वाचन मंडल सामग्रिक विकास में लोक कथा ठीक भाव सरकार पहुंची पारे ना लोक प्रतिनिधि किए थे से लोक प्रतिनिधि कौन सी प्रकार जोगाजोग सरकार सहित रही ना लोक समस्या को लेकिन से केवे भी दाबी रखुन सरकार कि कथा पहुँचु ना जो कि जो कार्य जी त्वरावित हवा कथा त्वरावित हो पार ना प्रशासनिक अधिकार मान कम कले भी लोक प्रतिनिधि मान इच्छा शक्ति बिना विकास संभव नुहे देखो बालेश्वर आम निजे भी अनुभव करो स्थिति थिला बालेश्वर पौर अंचल से स्थिति बिगड़ी जा से बिगड़ी जा केवल गोटे कथापी मुझे आगु कही कि लोक प्रतिनिधि आ सरकार जदि मिलित भाव में कम न करे तो विकास रे बाधा सृष्टि हम जो कि गत 1.5 वर्ष भितर से बाधा सृष्टि एवं जो अनुसार विकास हवा कथा बालेश्वर से अनुसार हो पारिना तेणुक आगामी दिन में विकास धारा को त्वरावित करने आम बालेश्वर वासी को अनुरोध करूँ समाने हमको सहयोग करन तो आशीर्वाद करन सर कोई निर्वाचन समय मीडिया संगे प्रेस रिलीज किए करो मीडिया को कोऑर्डिनेट किए परबा दल कर किए मीडिया टाइप करे हम जानि पर सेटा कोन गोटे प्रेस कर हम जानि दल टाइप दे जणे देवा जणे देवा जणे दे आपण को सर सर जो कथा कहिले जे जो जनप्रतिनिधि आ प्रशासन राजनैतिक इच्छा शक्ति बिना विकास संभव नुहे जो मैंने लोक प्रतिनिधि हे से बालेश्वर लोक कथा को लेकिन सरकार ठीक भाव में पहुंचे दरकार जहाँ फल समस्या समाधान हम जहाँ कि गत 1.5 वर्ष भितर हो पार ना जो कि विकास क्षेत्र में अनेक बाधा सृष्टि होता आगामी दिन में ये विकास धारा को अधिक त्वरावित करने आम बालेश्वरवासी को अनुरोध करूँ से आशीर्वाद करूँ सहयोग करूँ।